नमस्कार, श्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तुर्की ले आए कनेक्टर से रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने पर हड़कंप मच गया। तो मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, आसपास का इलाका खाली करवाया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा लीकेज पर पाया गया काबू। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने की वजह से हड़कंप मच गया। टर्किश एयरलाइंस से लाया जा रहा था ये पदार्थ और इस बीच रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है लीक हुआ। फोर्टिस अस्पताल के लिए लाया गया था ये रेडियो एक्टिव मटेरियल और बीच में ही लीक होने की वजह से जो है आईजीआई एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। और फिलहाल राजनाथ सिंह की तरफ से पुष्टि की गई है कि इस हालत पर काबू पा गया है, लीकेज पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम पॉल जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या है पूरा मामला, किस वक्त ये जो मटेरियल बताया जा रहा है रेडियो एक्टिव लीक हुआ और कैसे इसका पता चला? देखिए प्रिया, ये सुबह दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 4:30 बजे टर्की से पहुंचा था कार्गो और इसी कार्गो में 10 कंटेनर रेडियो एक्टिव पदार्थ के लाए गए थे, जिसमें से 4 में लीकेज हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में लीकेज नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल लीकेज का पता उस समय चला जिस समय वहाँ काम कर रहे जो वर्कर हैं उनकी आंखों में जलन हुई। जब जलन हुई तब उसका लीकेज का पता चला। फिलहाल जैसे ही पता चला उसमें एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल अब जो बताया जा रहा है फिलहाल उसको काबू में पा लिया गया है। जो एनडीआरएफ की तरफ से जो बयान आया है वो सामान्य तीव्रता का ये रेडियो एक्टिव पदार्थ था, इसलिए उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लोगों को। फिलहाल वही बात अगर करें गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है फिलहाल काबू में पा लिया गया है। तो जिस एयरलाइन से पदार्थ आया था, हालांकि ऐसे पदार्थ जो है वो बेहद संवेदनशील तरीके से ले आए जाते हैं, सुरक्षा के साथ ले आए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरलाइन सिक्योरिटी और कार्गो डिपार्टमेंट की ये लापरवाही यहाँ पर नजर आई है, जिसकी वजह से जो है एक बड़ा हादसा होते होते हुए बचा। जी बिल्कुल, अगर ये जैसे एनडीआरएफ की टीम से एनडीआरएफ की तरफ से ये बात कही गई है कि सामान्य तीव्रता का था, यदि ज़्यादा तीव्रता का होता तो बेहद काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के बेहद सुरक्षित जो समझे जाने वाली आईजीआर एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना सामने आई है, ये वाकई चिंता पैदा करने वाली बात है। जी प्रेम, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो लीक हुआ है इससे आंखों में जलन होने से पता चला, अगर ये ज़्यादा तौर लीक होता तो क्या कुछ हो सकता था? क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट पे बहुत संवेदनशील एरिया है वो और हर तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और इस बीच लोगों का भी आना जाना वहाँ पर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात एयरपोर्ट है तो यात्री वहाँ पर होंगे ही। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय 1000 के आसपास टोटल मिलाकर वहाँ व्यक्ति थे और उसमें वर्कर भी थे, यात्री भी थे। और फिलहाल जैसे ही इस घटना का पता चला तो तुरंत आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, तुरंत एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल अब काबू पा लिया गया है और जो बताया जा रहा है कि 2 जो वर्कर हैं जिनकी आंखों में जलन हुई थी उनको फिलहाल अस्पताल लाया गया है। तो जो वर्कर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, क्या उन्हें ज़्यादा नुकसान हुआ है? क्योंकि आंखों में जलन बताया जा रहा है, आपने भी जैसा कि बताया कि आंखों में जलन महसूस हुआ, तो क्या है उनकी हालत अभी, क्या है, क्या उनके आंख में किसी तरह से कोई परेशानी है या फिर जो नॉर्मल चेकअप है उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय जलन हुई थी तो उनको बिल्कुल नॉर्मल चेकअप के लिए लाया गया है, क्योंकि एनडीआरएफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि सामान्य तीव्रता का ये रेडियो एक्टिव पदार्थ था, अगर ज़्यादा रेडियो एक्टिव मतलब ज़्यादा तीव्रता का होता तो ज़्यादा नुकसान होता। अब लेकिन फिलहाल अब इस तरह के ये एयरपोर्ट पर ये घटना घटित हुई है तो वाकई चिंता पैदा करने वाली बात है कि आगे इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। जी प्रेम, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल जो एयरपोर्ट पर लीक हुआ, तो क्या अभी वहाँ से फिर से जो फ्लाइट्स का आवागमन है कार्गो डिपार्टमेंट वो काम करना शुरू कर दिया? क्योंकि एयर में जो है चारों तरफ मिला होगा, जिसकी वजह से अगर पास में वहाँ यात्री भी जाए तो उन्हें भी फिर से जो है आंखों में जलन और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या फ्लाइटें वहाँ पे अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं और काम जो है वो नॉर्मल आए दिन जैसा होता है वैसा हो चुका है सब कुछ, या अभी भी वहाँ पे अलर्ट है? देखिए ये पूरा मामला सुबह का है, 4:30 बजे फ्लाइट आई थी, 8 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल अगर अब बात की जाए तो सामान्य स्थिति में काम वहाँ चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो कार्गो की टीम है वो काम कर रही है और एनडीआरएफ टीम जो उस एरिया को है वहाँ काम कर रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सामान्य स्थिति है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। तो स्थिति अभी जो है आईजीआई एयरपोर्ट की वो सामान्य हो चुकी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और
परिस्थिति पे काबू पा लिया गया। तो लीकेज पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन यहां पर कार्गो डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये मटेरियल था, गनीमत थी कि ये कम तीव्रता वाले पदार्थ थी। अगर इसमें ज्यादा तीव्रता होती तो इससे इसका खामियाजा जो है वो भारी मात्रा में भुगतना पड़ जाता है।